हेलो दोस्तों, रसोई लाजवाब में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक कॉर्न, जिसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम पालक। उसको मैं एक सीटी लगा के कुकर में बॉईल कर लिया है और 200 ग्राम कॉर्न को, फ्रोजन कॉर्न को मैंने गर्म पानी में डाला है तब तक नॉर्मल होने के लिए। और दो बड़े प्याज को काट लिया है और दो टमाटर को, मीडियम साइज के टमाटर को काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़े से कुछ खड़े मसाले लिए हैं और भी जो मसाले हैं मैं जैसे यूज करूंगी बताते जाऊंगी फिर। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। पालक बहुत गर्म है अभी, इसको हम एक बार ठंडे पानी से धो लेंगे। ठंडे पानी में डालने से क्या होता है, इसका कलर जो है सो बना रहता है, कलर खराब नहीं होता है पालक का। पालक को हम ठंडे पानी में धो लिए हैं, अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई अब गर्म हो गई है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। टीस्पून जीरा डालेंगे, दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे, एक तेजपत्ता डालेंगे, दो इलायची और दो लौंग डालेंगे, एक बड़ी इलायची कूट के डालेंगे। अब तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। और टमाटर डालेंगे। सारे मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। इसे हम कुछ सेकंड के लिए ढक के पका लेंगे। आज टमाटर अब भून गए हैं, अब इसमें से थोड़ा सा मसाला हम ग्राइंड करके देंगे, पेस्ट बना के डालेंगे। अब इसमें और भी मसाले डालेंगे, एक टीस्पून हल्दी डालेंगे, टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, एक टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसाले को मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे, दो चम्मच पानी डाल के इसको पकने देंगे। भुने हुए प्याज और टमाटर जो हम निकाले थे उसका पेस्ट बना के डाल देंगे। अब हम इसमें कॉर्न डालेंगे। कॉर्न को हमने बॉईल नहीं किया है, सिर्फ गर्म पानी में भिंगा के रखा है। सॉल्ट डालेंगे, पूरी सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से हम सॉल्ट डाल रहे हैं। मसाला पूरा से भून गया है, अब इसमें पालक का पेस्ट डाल देंगे। Oh.
अब हम इसमें थोड़ा सा अमूल बटर डालेंगे। एक चम्मच मलाई डालेंगे। तो सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी दिख रही है। हमने इसे अमूल बटर और घर की मलाई से गार्निश किया है। आप इसे खाएं, एंजॉय करें और हमें ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी।